बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की काउंट ऑन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1, इस चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है वो करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम आज। क्वेश्चन नंबर 7 तक वीडियोस बन चुकी हैं और वो अपलोड भी हो चुकी है। इंशाल्लाह 8 क्लास की जो काउंट ऑन है ये भी हम पूरी कंप्लीट करेंगे, सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो मैथमेटिक्स है 8 क्लास की, वो भी साथ साथ चलेगी, वो वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी और ये काउंट डाउन वाली 8 क्लास की वीडियोस भी अपलोड होती जाएंगी इंशाल्लाह साथ साथ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है और सेट सी दिया है। और इसके अंदर जो पहला पहला पार्ट है उसका, जो ए वाला, उसके अंदर कुछ चीज़ें आपसे पूछी हैं, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको साथ साथ समझ आता जाएगा इंशाल्लाह, बहुत ईजी वे में इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा भाई जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूं। क्वेश्चन नंबर 8 का डाटा हम लिखते हैं। सबसे पहले देखें, इफ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, और ए क्या है, 1 3, बी क्या है, 2 4, सी क्या है, 5। क्लियर हुआ, ये हमने सारा डाटा लिख लिया। अब इसमें जो पार्ट ए है जिसमें कह रहा है फाइंड, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, डाटा हमने यहां पे लिख लिया है, क्यों ना हम सॉल्यूशन को यहां पे ले जाए। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी यहां पे सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये चीज। ठीक है, ए क्या है, सेट ए 1 3, 1 एंड 3, यूनियन बी क्या है सर, 2 4, 2 4, यूनियन सी क्या है, 5 आ गया। ये बात समझ में आई, चलते हैं सर आगे। पहले इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं फिर इसका, इसको शामिल कर लेंगे। यूनियन में सर होता क्या है, देखें यूनियन में यूं होता है कि दो सेट का जब आप यूनियन लेते हैं तो दोनों के एलिमेंट्स जो रिजल्टेंट सेट होता है उसमें आ जाते हैं। लेकिन सर अगर ऐसा एलिमेंट हो जो दोनों में मौजूद हो, तो मतलब इसमें भी मौजूद है दूसरे में भी मौजूद है, तो वो एलिमेंट एक दफा आएगा। कुछ बात समझ में आई, यूनियन लेते हुए दोनों सेट्स के एलिमेंट जो रिजल्ट आएगा, जो आपका आंसर वाला सेट होगा उसमें मौजूद होंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं तो वो एलिमेंट एक ही दफा आएंगे। ठीक है, जब हम इनको फर्दर प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। इसी चैप्टर की जो इससे पहले वाली वीडियोस हैं उसमें भी मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे इस वीडियो की, तो आपको आसानी से क्लास 8 की काउंट डाउन की जो मैथ्स की हुई है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 7th की काउंट डाउन की मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और क्लास 8 की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है मैथ्स उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी, कि उसके अंदर जो वीडियोस पड़ी हैं सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए पहले इसका और इसका यूनियन लेते हैं। इसमें 1 है लिख दिया, इसमें 1, फिर यहां 2 है ये भी लिख दिया, 3 ये भी आ गया, 4 ये वाला ये भी आ गया, यूनियन ये 5 एज इट इज यहां पे लिख दिया। अब देखिए इसमें यूनियन में हमने क्या किया, इसके भी दोनों एलिमेंट्स आ गए और इसके भी दोनों एलिमेंट्स आ गए। कोई ऐसा एलिमेंट इनमें था ही नहीं जो दोनों जगह मौजूद होता, जिसे हमें एक दफा लिखने की जरूरत पड़ती, बल्कि जो एलिमेंट्स इसके थे वो इसमें मौजूद नहीं थे, जो इसके थे वो इसमें मौजूद नहीं थे। एज इट इज ये वाले एलिमेंट्स भी आ गए और इसके भी दोनों एलिमेंट्स यहां पर हमने राइट कर दिए। चलें अब आगे चलते हैं। 1 2 3 4 यूनियन,
ये वाला 5। यूनियन में सर अगेन वही होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और इसके भी आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर हुआ? पार्ट वन हमारा हो चुका। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कहीं कोई चीज समझ ना आया, कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट्स में पूछें, और वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में भी अपने तासुरात जो है वो कमेंट्स में बताएं, और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अच्छा पहला पार्ट हो चुका है, डाटा ये था। ठीक है अब हम अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट। ठीक है सेकेंड पार्ट क्या है? ये चल रहा है ए, ठीक है ठीक है भाई, ये ए चल रहा है सारा। ए का पहला पार्ट हो गया और अब ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है अब देखिए ए के एलिमेंट्स लिखेंगे हम यहां पे। ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 और 3, 1, 3। यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 4। ठीक है इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स क्या हैं? ए की एलिमेंट है सर इसमें 5। यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहां से 1 आएगा, उसके बाद 1 इसमें नहीं है बस एक ही दफा आ गया, 2, 3, 4 ये यूनियन कंप्लीट हो गया। इंटरसेक्शन ये 5 एज इट इज आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब होता कॉमन, जो एलिमेंट इसमें और इसमें दोनों में मौजूद है जो कॉमन है वो लिखेंगे। तो सर इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? नल सेट, एम्प्टी सेट, एक खाली सेट, ठीक है जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है। ऐसे एलिमेंट को, ऐसे सेट को क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। ठीक हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के ए वाले पार्ट का सेकंड पार्ट हो चुका। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सर सबसे पहले तो ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 3, 1, 3। ये ए के एलिमेंट्स आ गए इंटरसेक्शन। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 4। यूनियन सी के एलिमेंट्स क्या हैं? सर सिर्फ ए की एलिमेंट है सी के अंदर विच इज 5, लिख दिया सर हमने। अब ए इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या है? सर कुछ भी कॉमन नहीं है, 1, 3 इसमें नहीं है, 2, 4 इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या होगा सर? नल सेट, एक एम्प्टी सेट। ये यूनियन 5 एज इट इज आ गया। ठीक हुआ भाई, इज इक्वल्स टू इसका और इसका यूनियन क्या होगा सर? यही 5, क्योंकि यूनियन क्या होता, जो एलिमेंट इसमें और इसमें दोनों में मौजूद होगा वो एक दफा आएगा, वरना दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसके और इसके, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसमें 5 है तो वो आ जाएगा। और ऐसा एलिमेंट अगर होता जो इसमें भी होता इसमें भी होता वो ओनली वंस आता, एक दफा आता। आई होप ये क्लियर हो गया होगा थर्ड वाला। ठीक है अब हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है? 1, 3। इंटरसेक्शन बी क्या है? 2, 4। ठीक है अब यहां पे इंटरसेक्शन आ गया, सी क्या है सर? 5। इसका और इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है सर? कुछ भी नहीं, तो नल सेट आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन सी वाला सेट हमने यहां पे राइट कर दिया। इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन क्या है सर? फिर कुछ नहीं है, नल सेट आ गया। क्लियर हुआ? फोर्थ पार्ट में भी आंसर एक नल सेट आया। आई होप चीजें आपको क्लियर
हो गई होंगी, इसका आंसर भी नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट भी हो गया, पार्ट ए का फोर्थ पार्ट। अब हम फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए के एलिमेंट्स क्या हैं सर? 1 और 3 लिख दिया सर, राइट कर दिया हमने। यूनियन बी क्या है? 2 4 2 4। इंटरसेक्शन सी क्या है? 5। वन थ्री वैसे का वैसे ही आ गया, यूनियन 2 4 और 5। इसका और इसका कॉमन क्या है सर? कुछ भी नहीं सर, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? नल सेट, एम्प्टी सेट। 1 3 यूनियन खाली सेट, दोनों का यूनियन क्या होगा सर? 1 और 3। क्लियर हुई बात? यूनियन क्या आ गया? 1 और 3, ये आंसर हो गया। यूनियन में होता ही वही है ना सर, वो एलिमेंट जो किसी एक में भी मौजूद है वो आ जाएगा, और ऐसा एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो वो एक दफा आएगा। ठीक है, ये 1 इसमें मौजूद नहीं लेकिन इसमें मौजूद है तो लिखा जाएगा, 3 इसमें मौजूद नहीं लेकिन इसमें है तो लिख दें। ऐसा एलिमेंट कोई है नहीं सर जो दोनों में मौजूद है जिसे एक दफा लिखना पड़े, क्योंकि ये तो है ही खाली सेट। अगर देखें 3 यहां भी होता, 3 यहां भी होता, फिर हम नीचे से 3 दो दफा लिखते हैं, नहीं एक ही दफा लिखा जाएगा। वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में मौजूद हो वो राइट एक ही दफा होगा नीचे रिजल्टेंट सेट के अंदर। क्लियर हुई बात? ओके, फिफ्थ पार्ट हो गया। अब अगला सिक्स पार्ट, लास्ट पार्ट जो है इसका वो करते हैं। लास्ट पार्ट है 6 1 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए क्या है सर? 1 3 इंटरसेक्शन। बी क्या है सर? 2 4 यूनियन। सी क्या है? 5। इक्वल का साइन आ गया, 1 3 नल सेट आ गया। ओ इंटरसेक्शन का साइन आ गया। इन दोनों का यूनियन क्या होगा सर? 2 4 और यूनियन में ये वाले इस सेट के भी एलिमेंट्स आएंगे ना, 5। इसमें है ही एक एलिमेंट तो वो आ गया, 2 4 5। क्लियर हुआ? यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आते। अब अगला जो स्टेप है वो है इंटरसेक्शन का। इसमें और इसमें जो कॉमन होगा वो हम यहां पे लिखेंगे। सर इसमें 1 इसमें है कहीं? नहीं। 3 इसमें है नहीं। 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा फिर सर? रिजल्टेंट सेट क्या होगा? एक नल सेट। क्लियर हुई बात? एम्प्टी सेट, खाली सेट। तो सिक्स पार्ट भी हमारा हो गया। ठीक है भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम है भाई तो पूछें कमेंट्स के अंदर। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें मुलाकात होगी, और हम जो है इंशाल्लाह ये पूरी बुक करेंगे, हर चैप्टर हर एक्सरसाइज हर क्वेश्चन हर पार्ट करेंगे। ठीक है, आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको आगे भी मिलती रहेंगी। 7th की काउंटडाउन भी ज़रूर पूरी करेंगे इंशाल्लाह, सारी करेंगे वो। ठीक है, और इसके अलावा 8 वाली भी पूरी करेंगे काउंटडाउन, और 8 की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है वो भी पूरे करेंगे। ये 7th की काउंटडाउन का, 8 की काउंटडाउन का, और 8 की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथ्स है, उन सब का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इनकी प्लेलिस्ट का। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह फिर जो अगला लेक्चर होगा उसमें मुलाकात होती है। तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।